दुकानों पे भीड़ कम हो रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे, क्या कभी हमने सोचा है आखिर कमी क्यों है? आखिर रिटेल पे कस्टमर आ क्यों नहीं रहे हैं? और आज हर कस्टमर ऑनलाइन क्यों खरीद रहा है? तो चाहे फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या अमेजोन हो, हर जगह ख़रीदारी तो हो रही है, पर हमारा ऑफलाइन जो सबसे मजबूत बिक्री हुआ करती थी ऑफलाइन पे दुकानों पे, वहाँ से भीड़ नदारद क्यों है? क्या कभी सोचा है या कभी देखा है कि हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है जो कस्टमर हमसे दूर हुआ? आज ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म भरा हुआ है ख़रीदारी से, 70% 80% छूट के साथ, भले वो रेट बढ़ा के बाद में छूट दे के वही रेट पे बेच रहे हैं, लेकिन कस्टमर खुश है। उसका रीजन देखना है, समझना है। नमस्कार दोस्तों, सबसे ज़्यादा मारा गया है व्यापारी रिटेलर वो ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन वाला आज मज़े से बिजनेस भी कर रहा है, कमा भी रहा है, लेकिन मर रहा है ऑफलाइन वाला व्यापारी जो दुकानों पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसका जो रीज़न है सर, उसका जो रीज़न है वो आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, जो वहाँ अपने रिटेलर पर अपने दुकानों पे बोर्ड लगा के बैठे हैं कि माल आपको नहीं पसंद आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आपने लिया है, सेल किया आपने, कस्टमर को नहीं पसंद आ रहा है, उसको चेंज कराना है, तो आपके पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि चेंज करने का टाइम 12 से 3 बजे का। अभी सोचिए ना कि कस्टमर सर ज़रूरी नहीं कि आपके घर के बाजू का ही होगा, हो सकता है और 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पे होगा, नौकरी वाला होगा, धंधे वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, जिसके पास टाइम ही मिलता है सुबह और शाम को। तो आपका माल आपसे रिटर्न करने 12 से 3 बजे के बीच कैसे आएगा? जो आपने टाइमिंग रखा है तो 12 से 3 बजे के बीच कैसे आएगा? न उसको टाइम है, न वो रिटर्न कर पा रहा है, नेक्स्ट टाइम वो क्या सोचेगा? वो नहीं पहनेगा, रख देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपकी शॉप पे जानेगा क्या? सोचने से भी घबराएगा। तो पहली मिस्टेक, हमको अपना वो बोर्ड हटाना है, हमारा वो टाइमिंग हटाना है, जो टाइम हम लिखे हैं कि 12 से 3 बजे के बीच खाली चेंज होगा, बाकी दिन नहीं होगा। ऑनलाइन में देखिए, वो चाहे मीशो हो, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, आप कुछ भी चेंज करते हैं, यहाँ तक कि जो फ्री डिलीवरी रहती है उसमें डिलीवरी चार्ज भी नहीं करता है। समझिए ना, कस्टमर लेके आता है, उसको नहीं समझ में आया, रिटर्न करता है, तो फैसिलिटी है ऑनलाइन में। जब ऑनलाइन वाले दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपके बाजू में वाला जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप वो रिटर्न की पॉलिसी क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों थोप देते हैं कि भाई आपने जो कपड़े लिए हैं वो कपड़े के बदले कपड़े ही आपको देंगे, पैसा रिफंड नहीं होगा? आखिर क्यों हम पैसे रिफंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कस्टमर को नहीं समझ में आया, नहीं लेगा, बाजू वाली दुकान से लेगा। आप इस चीज़ को, व्यापारियों को बदलना होगा। कस्टमर कपड़े के बदले कपड़े मांगता है, कपड़े दीजिए, और रिफंड अगर वो पैसा मांगता है तो आप पैसा दीजिए। पहला मिस्टेक। सेकंड में दोस्तों, कोई कस्टमर दुकान पे आया, आपने उसको दिखाया 50 पीस 100 पीस दिखाया,
कस्टमर को समझ में नहीं आया, कस्टमर जाने लगा, आपने क्या किया? मुंह बनाया, रिएक्ट क्या किया? कुछ तो व्यापारी यहाँ तक, दुकानदार यहाँ तक बोल देते हैं कि आपके औकात नहीं थी, फिर आपने देखा क्यों? यही सर हम गलती कर रहे हैं। बोलिए ना मैडम, बहन जी, आपको नहीं पसंद आया, नेक्स्ट टाइम आइए, चाय पिला के भेजिए। कौन सा कस्टमर है यार, सेकंड बार नहीं आएगा? लेकिन आपने उसकी औकात पे बोल दिया है, ऐसा बोल दिया कि लेना देना कुछ नहीं, टाइम पास कराने आ गए। कस्टमर को क्या बीती, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा। सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास 2 घंटा 3 घंटा आपकी दुकान पे आएगा, आप उसको दिखाएंगे और वो लेगा नहीं, चला जाएगा, नहीं पसंद आया होगा। तो सर ये भी भावना हमको चेंज करनी पड़ेगी, कस्टमर के साथ, कस्टमर को आ रहा है चाय पानी पिला के भेजिए, नहीं पसंद आया नेक्स्ट टाइम। कस्टमर क्यों नहीं आएगा? थर्ड नंबर, मार्जिन। आज दुकानों में क्या है, एक टाइम था 700 का जो प्रोडक्ट है, 700 का जो सामान है, 1400-1500 बोलते थे। एक टाइम कस्टमर भी 1400 का कस्टमर वो 800-900 में पा जाता था, खुश हो जाता था, बोलता था अरे 1400 का चीज़ हमने दुकान से 800 में लेके आया। सर टाइम चेंज हो गया है, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है, 1400 आप बोले वो समझ जाएगा, कितना कम करेगा? वो भी ऑनलाइन देखा हुआ है कि कौन सा सामान लगभग कितने में आ रहा है। तो एक मार्जिन रखिए, फिक्स मार्जिन रखिए, भाई पीस से हमको 100-200-300 लेना है, उस हिसाब से कस्टमर को बोलिए, 40-50 कस्टमर कम कराएगा उसके हिसाब से बोलिए, कस्टमर लेके जाएगा। आपने भाव उतना बता दिया है, उसके समझ में नहीं आया। जब तो कस्टमर कोई गरीब आता है, आप क्या करते हैं, आप पहले उससे पूछ लेते हैं क्या रेंज का सर दिखाऊं। अब उसके पास रेंज आपने सर उससे पूछ लिया, हो सकता है ना बताए, उसको 200-300 वाली चाहिए थी, बोले दिखाओ हैवी में दिखाओ, 600-700-800 वाली दिखाओ, 600-700-800 वाली आपने दिखाया, उसको लेना 200-300 वाला, 700-800 रुपये का आपका जींस कहाँ से खरीदेगा, कोई भी प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे, चला जाएगा। सर कस्टमर आता है, स्टार्ट कीजिए ना, शुरुआत से उसको सब दिखाइए ना, सर ये 200 वाला है, ये 300 वाला है, 400 वाला है, ये 700-800 वाला है, क्या जाएगा आपका, आधा घंटा जाएगा, एक घंटा जाएगा, कस्टमर खुश होके जाएगा, लेना भले उसको 200-300 है, लेकिन वो दिमाग में रखेगा भाई यहाँ 200 से लेके 800 तक की जींस मिलती है या 800 तक के कपड़े मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा और आएगा। आपने उसकी औकात पूछ ली पहले से, कौन सी रेंज का चाहिए, खरीदना था 200-300 वाला, 700-800 का बोल दिया, ना उसको समझ में आया ना आपको समझ में आया, आपको लगा वो टाइम पास करने आया और वो बोल नहीं पा रहा है। तो हमको ये भी सोच बदलनी होगी, कस्टमर को एक समान समझना होगा। कोई पैसे वाला कस्टमर आ गया, आप उसको पहले ध्यान देने लगे, कोई गरीब कस्टमर आया, आप कुछ वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एक दो सर दिखा दिए उसके बाद कुछ वैल्यू नहीं। तो सर आप दुकानदार हैं, आपको देखना होगा कि हमारे लिए हमारा प्रत्येक कस्टमर पैसे वाला है, वो खरीदने वाला है, हमको 2 पैसा दे के जाने वाला है। तो ये भी भावना हमको चेंज करनी पड़ेगी, कस्टमर गरीब हो अमीर हो, कि जो कपड़े हैं वहाँ से लेके हाई लेवल तक के जो रेट के कपड़े हैं वो कस्टमर को दिखाइए, कस्टमर खुश होएगा, लेके जाएगा, उसको जो समझ में आएगा 200 वाला समझ में आएगा 200 वाला लेगा, 500 वाला समझ में आएगा 500 वाला लेगा। आप वैरायटी क्या रख रहे हैं,
महंगे पे छोड़िए, सस्ते पे छोड़िए, कलेक्शन क्या रख रहे हैं? नया कलेक्शन मार्केट में जैसे ही आता है वो आपको अपडेट करना है आपकी दुकान पे। उसके साथ में ही दूसरे जो प्रोडक्ट हैं आपके बिकेंगे, उसके साथ के जो कपड़े आपके बिकेंगे। आप सोच रहे हैं यही माल नहीं बिका, नया माल मैं कैसा लेके आऊँ? सर नहीं होएगा, कस्टमर नहीं आएंगे। आपको नया प्रोडक्ट, नया कपड़े, नया फैशन जो भी लॉन्च होगा, जो भी आ रहा है, आपको दो चार पाँच सेट शॉप पे आपके होना ही चाहिए, आपके डिस्प्ले में लगना ही चाहिए। कस्टमर वो देख के आएगा, भले वो ना खरीदे लेकिन उसके दिमाग में बसेगा कि इस दुकान पे जो भी नया चीज़ आता है, जो भी नए फैशन आते हैं, सब दुकान पे रहता है। सर आपको बताऊँ, उल्लास नगर 4 नंबर में एक शॉप मैंने देखी थी, मोनिका गारमेंट की, लेडीज़ गारमेंट वहाँ बिकते हैं। इतना अंदर है कि आप बाइक से वहाँ तक नहीं जा सकते। बाइक आपको 200 मीटर पहले खड़ी करके तब अंदर जाना होगा, बिल्कुल गली में। लेकिन आप कभी भी जाइए, वहाँ आपको 20 से 25 लेडीज़ हमेशा रहती है। क्यों? कोई प्रचार नहीं, ऑनलाइन कोई प्रचार नहीं, फिर भी कस्टमर रहते क्यों हैं? उसने अपने आप को अपडेट किया है। मैंने जाके एक एक बात समझी है। 5 से 6 लड़के खड़े हैं दिखाने के लिए कपड़े, कोई लेवे नहीं लेवे, मुस्कुरा के ऐसा कपड़े दिखाते हैं कि आदमी का दिल खुश हो जाता है। ज़्यादा बात नहीं, मैडम ये नहीं पसंद ये लीजिए ना, आप तो पसंद तो कीजिए, रेट हो जाएगा, रेट का टेंशन मत लीजिए। क्या बात करते हैं, इतना अंदर। फिर औरतें हैं, एक दूसरे से बताती हैं, वहाँ भीड़ लगती है, 20-25 हर टाइम आपको मिलेंगे मिलेंगे, इतना अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्यों चलते ऐसे धंधा? ये तो नहीं रोते कि भाई हमारे पास कस्टमर नहीं, ऑफलाइन है तो व्यवहार है उनका। नए चीज़ों से, नए फैशन से उन्होंने अपने आप को अपडेट किया है। हर टाइम उनके पास कोई भी मार्केट में कलेक्शन आता है, भले 2 पीस आएगा लेकिन आएगा। और कोई आइटम नहीं है उनके पास, कस्टमर ने मांगा ये आइटम चाहिए, ठीक है मैम, ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक आप आइए आपको करके देंगे। अपने आप को अपडेट कीजिए, कस्टमर क्यों नहीं आएगा, ऑफलाइन क्यों नहीं आएगा? एक टाइम था कस्टमर ऑनलाइन खरीदने से डरता था, आज का टाइम है आदमी ऑफलाइन आने से घबराता है, ऑनलाइन खरीदता है। एक टाइम था ऑफलाइन में जो भी दुकानदार है सबके पास चोपड़ा चलता था, 10-20-50 उधारी के लिए हम लड़ जाते हैं, 10-20-50 कस्टमर के पास नहीं हम लड़ जाते हैं, उनको कपड़े नहीं देते, कपड़े रख लेते हैं, पैसा लेके आओ तो लेके जाओ। ऑनलाइन में देख लिए ना, ऑनलाइन जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी सेलर हैं, आप देखिए वो भी एक ऑप्शन में रख दिए हैं, वो भी एक ऑप्शन में रख दिए हैं, आप खरीदिए, पेमेंट बाद में कीजिए, 10-15 दिन बाद में कीजिए। सोचिए आप 10-20 रुपए के लिए कपड़े नहीं देते, साइड में रख लेते हैं, ऑनलाइन ऐप है जिसको कोई जानता नहीं, मोबाइल से खाली संपर्क है, उन्होंने क्या किया है? पे लेटर का ऑप्शन आता है उसमें, ले लीजिए आप कपड़े, पेमेंट बाद में कीजिए, 10-12-15 दिन बाद कीजिए। वो लोग दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं? कस्टमर आज नहीं तो कल देके जाएगा ना, और क्या लेके जाए? हमारा जो प्रॉफिट उसमें से 10-20-50 नहीं दे रहा है, नेक्स्ट टाइम देगा। लिख के रखिए, मोबाइल रख के नंबर लिख के रखिए, और मोबाइल नंबर लिख कर रखेंगे, अपडेट करते रहेंगे, नया आइटम जो आया व्हाट्सएप करेंगे, ये भी अच्छी फैसिलिटी है। कस्टमर आ रहा है, आप मोबाइल नंबर ले लीजिए, आज हर कस्टमर के पास मोबाइल है,
व्हाट्सएप पे अपडेट कीजिए। आज देखिए ऑनलाइन के जो भी हैं, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, आपके मोबाइल पे आपने एक बार ख़रीदारी उससे की है, आपके व्हाट्सएप पे प्रॉपर आएगा ये टी शर्ट इतने में। आप भी तो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। कस्टमर आ रहा है, भले एक बार आया है, नंबर लीजिए, अपडेट कीजिए। ये चार पांच बातें हैं जो ऑफलाइन से कस्टमर कट रहा है। ये चार पांच बातों को हमको ध्यान रखना है, कस्टमर आएगा। और हम ऑनलाइन से बेहतर बेच पाएंगे, मार्केट में फिर से खुशियां आएगी जब खुशियां हम फैलाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, व्यापारी भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए दीवान गारमेंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।